हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम बाद मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर आप सभी के लिए कॉफी बैग्स का हॉल वीडियो लेकर आ गई हूँ, जो कि है मीशो से। आप सभी ने इससे पहले मेरे सारे ही जो स्लिंग बैग्स, हैंड बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स के जितने भी वीडियोस देखे हैं वो मोस्टली मीशो से है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी कम प्राइसेस में काफ़ी अच्छे बैग्स मिल जाते हैं। कुछ बैग्स तो ऐसे होते हैं जो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ बैग्स जो ठीक नहीं होते उसके रिव्यूज़ मैं आज आपको बिल्कुल से दे दूंगी कि मीशो पर जो न्यू कॉपी ट्रेंडिंग बैग्स ट्रेंड कर रहे हैं ये एक्चुअली कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है इसका इमेज है स्क्रीन पर, और ये जो ड्रेसेस हैं एक्चुअल ब्रांड की, ये 3.5 से 4.5 हज़ार की है। लेकिन मीशो पर इनकी कॉपी ड्रेसेस लॉन्च हो चुकी है और इनके सेलर ने जो इनके प्राइजेस रखे हैं वो अंडर 2000 है, मतलब जो मैंने वेयर करी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ 1700 की है। तो इन सभी के रिव्यूज जो है आपको इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे, तो कंटिन्यू बने रहे। और आपको इनमें से कौन से बैग्स बहुत ज्यादा पसंद आए, जो मेरे फेवरेट है, क्या वो आपको भी अच्छे लगे, ये जरूर बताइएगा। चलिए आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बैग जो आज हम देखेंगे ये है कोच का, और मैंने दुबई से पिक किया था येलो कलर में। बहुत ज़्यादा फर्क होता है क्वालिटी में, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो जब हमको ये मटेरियल मिल जाएगा, समझ आ जाएगा तो दिखेगा। लेकिन कॉपी होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी गई है कि इसे काफ़ी अच्छा सेम रखा गया है। आपको इस तरीके से ये स्लिंग बैग मिल जाता है, जिसमें दो आपको यहाँ पर ये वाले जिपर मिल जाते हैं, मतलब इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज अ स्लिंग बैग। पीछे आपको एक छोटा सा ये ओपन वॉलेट जैसा एक पैकेट मिलता है, जहाँ पर आप कार्ड्स या फिर अपना कुछ कैश जो है रख सकते हैं, कीज़ वगैरह रख सकते हैं। कीज़ तो हम यहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं। तो ये वाला बैग फ्रंट से एग्जैक्टली सेम वैसे ही दिया हुआ है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें, मुझे ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लगा। और इसका बेल्ट हमें ऐसा मिल जाता है, जबकि ओरिजिनल का बेल्ट ऐसा नहीं है। बेल्ट से पता चलता है कि ये कॉपी है, लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो ये है आज का फर्स्ट बैग, और प्राइस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल वर्थ करता है। इसमें काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मुझे तो ये वर्थ बैंग लगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आप इस तरीके के बैग्स के साथ जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। इवन इसमें येलो कलर भी अवेलेबल है। सो ये है आज का फर्स्ट बैग। ये है इसका बेल्ट, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हमें अमेजोन पर स्लिंग बैग के काफ़ी सारे कलर्स के जो है काफ़ी अच्छे वाले बेल्ट्स मिलते हैं, तो आप अलग से अगर वो ले लेते हैं तो फिर इसका लुक आप बिल्कुल ही जो है डिफरेंट बना सकते हैं। तो ये आज का फर्स्ट बैग, क्यूट सा। नाउ देख लेंगे आज का सेकेंड बैग, और सेकेंड बैग है कोरियन बैग। ये कोई ब्रांड का नहीं है, बट कोरियन है और बहुत ही क्यूट सा है गाइस। इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स अवेलेबल है। एक इसमें सेम ऐसा पैरेट ग्रीन कलर था, बट वो जिन्होंने मंगवाया था उनका रिव्यू वहाँ पे शेयर था कि उन्होंने ग्रीन मंगवाया और उन्हें बेज कलर मिला। मुझे लगा मे भी मुझे मिले ना मिले ग्रीन, इसलिए मैंने यही वाला मंगवाया कि मैं एटलीस्ट की क्वालिटी देख लूँ। तो ये वाला स्लिंग बैग छोटा सा है, बहुत प्यारा है। आप इसे एज अ अपना मेकअप पाउच भी यूज़ कर सकते हो, बैग भी यूज़ कर सकते हो। मुझे सीरियसली बहुत क्यूट लगा। साइड से अगर देखें तो हमें इसमें गोल्डन कलर की ये वाली जिप मिल जाती है, जो कि लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। हम इसमें इस तरीके के जो बैग्स एक्सेसरीज होती है वो हैंग कर सकते हैं, फ्रंट में कर सकते हैं। इवन मैंने वो भी मंगवाए हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूट जाते हैं। तो ये वाला मस्ट बाय बैग है। और इसका अगर हम पैरेट ग्रीन वाला कलर ट्राई कर लेना, मतलब इसे 4 to 5 कलर्स है, लेकिन अगर पैरेट ग्रीन हम ट्राई करते हैं तो सीरियसली बोलूँगी मज़ा आ जाएगा। तो मैं तो इसे एज अ मेकअप जो पाउच आता है या मेकअप बैग आता है वैसे यूज़ करने वाली हूँ। आप कैसे करने वाले हैं लेने के बाद अंडर 300 में ये कोरियन बैग, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बैग तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मतलब उस एक बैग की वजह से मैंने ये पूरा ही वीडियो बना लिया। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट बैग, और ये है बुलेट गन स्टाइल बैग, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सिर्फ अगर क्वालिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा लोकल जा रहा है। इसमें जो वाइट कलर था उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मुझे वाइट नहीं मंगवाना था, सो मैंने ब्लैक मंगवाया। मुझे लगा मे भी अच्छा आ जाए तो मैं रख लूँ, बट मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर स्टाइल की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मतलब अगर इस प्राइस में अगर हम देखें तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी ऐसी डील नहीं है कि हमने एम ही ले लिया, अच्छा जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा जा रहा है, और इसके बैक में हमें कोई भी जिप नहीं दिया गया है। इस तरीके से दो टिक टैक बटन्स है, और अंदर से एक जिप है, अंदर एक और हमें एक छोटा सा कार्ड्स के लिए साइड मिल जाता है। अदरवाइज ये इस तरीके से है। इसमें एक और बेल्ट है जो कि और ज़्यादा बड़ा है, तो काफ़ी क्यूट सा है। ऐसा नहीं है कि बुरा है, अच्छा जा रहा है। अगर इस वाले स्टाइल में, इस प्राइस में आपको चाहते हो तो आपको ये डील कहीं और नहीं मिलने वाली है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। वैसे इसका जो रिव्यू मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो ये ऐसा है। और जिनकी रिक्वेस्ट थी कि दी इसका रिव्यू शेयर करना, उनका वाइट कलर था, तो वाइट भी सेम ही आएगा, बस कलर में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, बाकी तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे। तो आप
आपको अगर पसंद आता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। देखेंगे आज का नेक्स्ट बैग। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट बैग, इसका इमेज है स्क्रीन पर। ये दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ना क्योंकि ये काफी नाजुक है। इसके साथ हमें ये एक बेल्ट मिला है, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मे बी हमको इसको खुद ही जो है यहाँ से टाई करना पड़ेगा। तो टाई वाला सिस्टम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये क्या हो गया इसको। वेल, जैसा रिसीव हुआ है वैसा ही बताती हूँ। कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है ऑरेंज। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एज अ फुटवेयर कि आपको कुछ मैचिंग बैग चाहिए इस प्राइस में, इस स्टाइल में, तो फिर आप इस बैग के साथ जा सकते हो। ये है इसका बिल्कुल पतला सा बेल्ट। इस प्राइस में भी ये वाला बैग मुझे लग रहा है कि एवं ही अपना स्टाइल ख़राब होगा। सो अगर आपको लगता है कि इस बैग के साथ जाना चाहिए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज लेदर ऐसा है बिल्कुल ही सिंपल, ये दिया हुआ है, अगर किसी ने खींच दिया तो ये टूट जाएगा और ये आपको खुद जो है टाई करना पड़ेगा, नॉट बांधने पड़ेंगे इसको। तो नॉट वाला बैग है, देखो कभी भी गिरते रहेगा। आप मस्त मटक रहे हो, रील्स बना रहे हो, बैग गिर रहा है बार बार। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट बैग, और ये है कैटलिन, इस पर लिखा है, लेकिन अगर देखो तो कोच का ही एक बैग है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये उसका कॉपी है, मतलब कॉपी लाइक के, वो भी इस तरीके के वाइट एंड ये ब्राउन शेड में आपको मिलता है। ये काफ़ी क्यूट सा बैग है, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो या फिर आपका है कि आप स्लिंग बैग बहुत ही कैजुअल, बहुत ही डिसेंट ट्राई करते हो, तो फिर आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। इसके साथ में इसका एक और बेल्ट मिल जाता है जिसे आप एज अ स्लिंग बैग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बच्चे वगैरह हमारे साथ होते हैं, समटाइम हम गाड़ी पे होते हैं, तो एज अ स्लिंग बैग तो मैं बताऊँ काम आता ही है। तो ये इसका बड़ा वाला बैग, और अंदर से एक हमें जिप मिलती है, यहाँ पे चैन मिलता है, अंदर से फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा है ये। इस प्राइस में मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कुछ डिसेंट स्लिंग बैग के साथ जाना चाहते हो वाइट एंड ब्राउन शेड में, तो डेफिनेटली कहूँगी आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, ये मस्ट बाय है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट बैग, और आप देख सकते हो सब्यसाची का ये क्यूट सा पिस्ता ग्रीन कलर है। आई थिंक आप काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने डार्क ग्रीन मंगवाया था, मुझे ये रिसीव हुआ है, मे बी वो डार्क ग्रीन ही ये वाला ग्रीन हो सकता है। सो इसमें हमें ये वाला जो हैंडल इसका बैग मिलता है, यहाँ से ये मेरे मोबाइल के कवर पे बैक साइड में लगे हुए हैं, कुछ वैसा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, क्यों डिसेंट सा स्टाइल है ये। यहाँ पर हमें एक जिप मिल जाती है जिसके अंदर हमें एक बेल्ट मिलता है। अगर आप एज अ स्लिंग बैग यूज़ करते हो तो ये इस तरीके से फ्रंट में आ जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा तो नहीं जा रहा है, जा रहा है देख लेना। और ये बेल्ट है, इससे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। सो प्राइस में ये बैग मुझे लगता है कि वर्थ बाइंग है, मतलब आप इसके साथ जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा, इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप कलर ऑप्शन देख सकते हो, बट इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मे बी मुझे लाइट शेड ही रिसीव हुआ है। सो क्यूट है, मतलब ठीक ठाक है ये बैग। मैं आपको दिखाऊंगी अपना फेवरेट बैग, उससे पहले एक बैग दिखा देती हूँ जो कि हार्ट शेप में। तो मैंने जब ये बैग ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था ये बहुत छोटू सा आएगा, बट इसका साइज काफ़ी बड़ा है और ये हार्ट शेप में है, ब्राउन कलर में है, इसमें भी कलर्स काफ़ी अच्छे अवेलेबल है, लेकिन इसी तरीके के पेस्टल से कलर्स थे, तो मैंने ये मंगवा लिया ब्राउन कलर का। ये फैब्रिक स्टाइल बैग है और इसका जो बेल्ट है ये काफ़ी पतला सा है, लेकिन हमें अंदर एक और बेल्ट जो है इसमें दिया गया है, बेल्ट भी अच्छे दिए गए। वेल, प्राइस भी तो कम है ना, तो अगर आप ये स्लिंग बैग लगाते हो तो इसलिए ऐसा आ जाएगा, और एज अ स्लिंग बैग आप ये वाला बेल्ट जो है इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छा जा रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक है। मेरे पास एक रेड कलर का था, पता नहीं किस बेचारे ने मुझसे मांग लिया और मैंने दे दिया, और वैसे भी पता है मोस्टली यही होता है, मेरी अच्छी चीज़ मुझसे मांग ली जाती है, और माशाल्लाह अल्लाह ने इतना बनाया है मुझे कि मैं दे देती हूँ। सो मैंने दे दिया वो बैग, लेकिन ये वाला जो बैग है ये फैब्रिक में है और थोड़ा सा बड़ा है एज अ स्लिंग बैग, तो आप इसमें अपना काफ़ी कुछ जो है रख सकते हैं, मतलब ये स्पेशियस है, मुझे ठीक लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप डेफिनेटली जो है इस वाले बैग के साथ जा सकते हैं। ये ब्राउन कलर है, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको दिखाने वाली हूँ, दिल थाम लो, बहुत प्यारा बैग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इमेज आपने देखा स्क्रीन पर, अब आप जो इसका फोटो है वो देखो और बैग देखो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बैग मैं रखने वाली हूँ गाइज, और ये है पिंक कलर में, मजेंटा पिंक, इसमें काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन है,
मैंने सोचा पहले एक दो कलर मंगा लेती हूँ, जब मैंने आज इसको देखा फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है एक स्टाइल में एक ही बैग अच्छा जाएगा, लेकिन मेरे पास ये कलर में दो बैग्स ऑलरेडी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इस वाले जो स्टाइल में है ना ये बैग, ये वाला कलर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है वाइट के साथ मजेंटा। तो इसमें हमें एक जिप मिल जाती है जो एज ए स्लिंग बैग काम करेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरीके से अंदर से यहाँ पर हमें एक साइड में पॉकेट दिया गया है, नहीं नहीं अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक खाली ओपन होगा, मोबाइल रखो, कार्ड रखो, एक आधे लिप ग्लॉस डाल दो, टिंट डाल दो और दैट्स इट। तो ये है छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा स्लिंग बैग जो आज के पूरे ही वीडियो की जान है, ये ड्रेस भी और ये बैग भी। सो ये मस्ट बाय है गाइस, सीरियसली बोलूँ अगर आपने मीशो पे अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छे कलर्स अवेलेबल है, लेकिन जो मजेंटा कलर है वो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो अगर आप इस तरीके का स्टाइल चाहते हो वाओ, तो फिर आपको ये वाली डील सिर्फ मिलने वाली है मीशो पर और हमारे इन वाले सेलर से ही मिलने वाली है। सो ये वाला मस्ट बाय बैग है, मैं इसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करूंगी, बस बता दूंगी कि देखो इस तरीके से फैब्रिक बहुत ही सिंपल है बट जो स्टाइल दिया गया है ये बहुत ही क्यूट है, मतलब कम प्राइस में एक बढ़िया सा स्टाइल आपको मिल रहा है जो कि डिजाइनर बैग से कम नहीं लग रहा है। सो ये मस्ट बाय है एंड इसे आप ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो इन सब की डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में और बैग जब आपको दिखा देती हूँ आज का नेक्स्ट बैग। ये मैं समझता हूँ ये बैग है, आप सोचोगे कीचेन है बट नो, ये देखो इसमें भी छोटे छोटे कचरे डाल के भेजे हैं इन्होंने। तो मेरी हुरैन ने एक्चुअली सिक्स का कॉम्बो है और सिक्स का कॉम्बो आपको रेड वाइट ब्लैक बेज गोल्डन ऐसे सिक्स डिफरेंट शेड्स में ये मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये कीचेन है, उससे भी अच्छी बात कि आप इसको एज अ बैग जो एक्सेसरीज होती है वैसे यूज़ कर सकते हैं वगैरह पे, यहाँ पर ये हमें दिए होते हैं साइड में, आप कहीं भी लगा सकते हैं इसके जो भी मैचिंग कलर है, आप मैचिंग बैग्स पे या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर्स में आप लगा सकते हो। आप अपने गाड़ी के कीचेन अपने कहीं भी लाइक घर पे या बैग्स में या फिर आपकी जो घर की कीज़ है वो बैग में ही आपको लगा के निकलना है, तो वैसे किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला सिक्स का कॉम्बो ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब मस्ट बाय है ये भी। और मेरी डॉटर ने ये पूरे जो कलर्स है वो पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं, मैं देखती हूँ उनकी वार्डरोब में और यहाँ पे मैं कुछ फोटोज़ या वीडियोस लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। तो ये भी मस्ट बाय है। आपको इनमें से कौन सा बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये कमेंट करके बताना। मेरा मजेंटा पिंक एंड वाइट पर्ल वाला बैग है और वो जो छोटे छोटे बैग्स है वो भी है। ये वाली गाउन आपको कैसी लगी? मुझे ठीक ठीक लगी है, मतलब हाफ ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में हमें मिल रही है तो बिल्कुल से ठीक है, फिटिंग वगैरह कर लो तो हम डेफिनेटली इसके साथ भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट और वीडियो में, टेक केयर, बाय।